निशा रसोई की आज की रेसिपी है मेथी वड़ा। ये मेथी के मैंने पत्ते तोड़ कर ले ली हूँ और इसको मैं कट करके धो लूँगी। और ये पावा है और ये बेसन है और ये एक कांदा मैंने इस तरीके से काट के रख ली हूँ। और ये अदरक और दो हरी मिर्ची है जिसको मैंने दरदरा पीस ली हूँ। और ये धनिया है, इसको भी मैंने कट कर ली हूँ। हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हींग है, चाट मसाला है और ये तिल है। मेथी को मैंने काट ली हूँ धोकर। और ये है पवा, पवे को मैं धो लूँगी और इसको भिगा लूँगी। पवे को मैं धो चुकी हूँ और सारा पानी मैंने पवे का निथार चुकी हूँ। और मेथी को अब मैं पवे में ऐड कर दूँगी। पवे में भी पानी था और मेथी में भी पानी था तो इसमें हम ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसी ही मैं मसाले मिला दूँगी। अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी और एक कांदे को भी ऐड कर दूँगी मैं। और मसाले भी मैं ऐड कर दूँगी। मैं अच्छे से पवे और मेथी को मसालों को हाथ से मिला लूँगी। अब बेसन भी मैं ऐड कर लूँगी और मिलाते जाऊँगी। और धनिया को भी मैं ऐड कर लूँगी। सारों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। बेसन में देख देख कर थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाऊँगी। आधा चम्मच भर के मैं नमक ऐड कर दूँगी। एक चम्मच भर के मैं ऑयल डाल दूँगी और अच्छे से मैं सबको मिला दूँगी। पवे, मेथी, मसाला सारा मैं अच्छे से मिला चुकी हूँ। अब एक एक लेकर मैं वड़े बना दूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है और वड़े को मैं बनाते हुए इस तरीके से वड़े में बना लूँगी और फ्राई कर लूँगी। वड़े मैंने इस साइज़ के बना चुकी हूँ और ऑयल गर्म को मैं रख दी हूँ। अब एक एक करके मैं गैस को नॉर्मल कर ली हूँ और एक एक करके मैं वड़ों को कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। अब एक एक वड़े को मैं पलटी मार लूंगी और नॉर्मल गैस पे ही मैं फ्राई कर लूंगी। मेथी वड़ा तैयार हो चुका है। अब मैं वड़ों को निकाल लूंगी और सारी इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी। मेथी पवा वड़ा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।